दोस्तों, अगर हम 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात करें तो उन अभिनेत्रियों में फराह नाज का नाम भी शामिल है। फराह नाज ने कई हिट फिल्मों में काम किया। इन्होंने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। इनकी फिल्मों का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। फिल्मों में इनके द्वारा निभाई गई एक्टिंग काफी लोगों को पसंद आती, जिनकी सराहना कई बड़े बड़े निर्देशकों ने की। ये बॉलीवुड की उन खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल थी जो एक समय पर काफी महंगी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। लेकिन दोस्तों, आप सब फराह नाज के बारे में तो जानते हैं, क्या इनके बेटे के बारे में जानते हो? कौन है, क्या करता है, कैसे दिखते हैं? अगर आप इन बातों को जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फराह नाज भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री है जिनका जन्म हुआ 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में। इन्होंने बचपन से ही अभिनय का शौक पाल लिया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म फासले से की। इस फिल्म में इनके अभिनय की काफी तारीफ हुई, जिसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जिनमें नसीब अपना अपना, ईमानदार और बेगुनाह जैसी फिल्में शामिल हैं। ये बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी अभिनेत्रियों में गिनी गई और आज भी इन्हें बॉलीवुड में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के बेटे की, तो इनके बेटे का नाम फतेह रंधावा है, जिनका जन्म 1996 में हुआ। इन्होंने अपने शुरुआती करियर की पढ़ाई मुंबई से की। इन्हें बचपन से अभिनय का बड़ा शौक था, इसलिए फतेह रंधावा बहुत जल्द बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। ये फिल्म दोस्ताना 2 से डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म में इनके साथ जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आएंगे। इस बात का खुलासा खुद फिल्मकार करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फतेह रंधावा बिंदु दारा सिंह और उनकी पहली पत्नी फराह नाज के बेटे हैं। हालांकि अब फराह और बिंदु द्वारा एक दूसरे को तलाक दिया जा चुका है और दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको फराह नाज का बेटा कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए।